अगर शीशा के सामने रोक दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को तो शीशा फूट जाएगा अपने आप शर्म से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पसीजता। रावण अगर जिंदा होता तो रावण मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब जाता जितना नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। दूध सी सफेदी, इधर से दागी निकला और इधर से पाक साफ हो गया। और प्रधानमंत्री के मुंह में कोई रसगुल्ला नहीं है, मुंह में मेहंदी नहीं लगा है कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है, मैंने कौन से पाप किए भारत? अरे भैया, आपके पाप की सजा हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम सह रही है। अगर ये काम है तो हम कहते हैं मोदी जी काम मत कीजिए। हाँ, मैं चौकीदार हूँ। अब तो समझ के आ गया देश को कि ये इसका मालिक गौतम अडानी है। नमस्कार, आप देख रहे डीएस फोर, मैं हूं आपके साथ नफी साहब। 18 दल एक साथ मिलकर विपक्षी एकता दिखाते हुए एक बार फिर सरकार का घेराव कर रहे हैं। अडानी मामले को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर चर्चा से क्यों बच रही है सरकार। और इसी सिलसिले में विपक्ष एक साथ आकर ईडी ऑफिस जा रहे थे, ज्ञापन सौंप। सत्ता पक्ष की बात करें यानी कि बीजेपी सरकार की बात करें तो वो राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर अभी भी माफी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष जो एक चुपता के साथ आज अपने सुर दे रहा है, यानी कि विपक्ष सरकार पर सीधा हमलावर है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज जी। हमेशा अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, सरकार पर हमलावर भी रहते हैं, लेकिन अब जब राहुल गांधी से माफी की मांग उठ रही है और ईडी दफ्तर विपक्ष पहुंच रहा है, तब पंकज जी आप क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन तमाम संवैधानिक पदों की गरिमा धूमिल हो गई है और ये प्रधान सत्ता पक्ष के कठपुतली बनकर खेल रही है। यही शुभेंदु अधिकारी का एस्टिंग हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उन पर कार्रवाई की बात कह रहे थे, खुद देश के तारीपार गृह मंत्री कह रहे थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, शुभेंदु अधिकारी पर शारदा नारदा का तो जाँच तो रुक ही गया। जो एस्टिंग ऑपरेशन में पैसों के लेन देन का ब्यौरा दिखाया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आसाम के मुख्यमंत्री जिस पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का लगातार जांच चलता था, डेली पैसेंजर का काम करती थी, जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सारे जांच बंद हो गए। आप अभी महाराष्ट्र की घटना है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना में एक नाथ शिंदे, भावना गवली, पता नहीं कितने शिवसेना के ऐसे नेता थे जिन नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी कई तरह के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका बल प्रयोग किया जा रहा था। मजबूरन एक नाथ शिंदे, भावना गवली ने शिवसेना को खत्म कर, अब समझिए कि इसमें बहुत बड़ा खेल है। उसी एक नाथ शिंदे और भावना गवली और तमाम शिवसेना नेताओं पर ईडी रास्ता भूल गई, सीबीआई रास्ता भूल गई, इनकम टैक्स रास्ता भूल गई। हमने देखा है तेलुगु देशम पार्टी के 5 सांसदों पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का रेड चलता था, जब वो भाजपा में शामिल हुए सब कुछ बंद हो गया। न जाने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रास्ता कैसे भटक जाती है। सवाल उठता है, अभी बिहार में आप देखिएगा कि लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, लगातार डेली पैसेंजर का काम, जहां जहां चुनाव होता है ये रेड कारपेट बिछाने का काम सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स करती है। लेकिन क्या ईडी अडानी मामले पर खामोश है, संज्ञान नहीं ले रही है, ऐसा आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो सही है? आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है? ये देखिए क्या है, आज द इंडियन एक्सप्रेस में जिस एलोरा के बारे में दिया गया है, रिपोर्टें छपी है, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं आखिर इस पर कार्रवाई की बात कहते हैं? अडानी देश का सबसे बड़ा महाफ्रॉड और महाफ्रॉडों का संरक्षण देने वाला ये फेकू प्रधानमंत्री एक शब्द जुबान से नहीं बोलते, आखिर किस बात का डर है? सारे राज खुल जाएंगे अडानी के उरन खटोलों पर घूम घूम कर। पूरे देश में इन्होंने चुनाव प्रचार किया, कभी समय था जब अडानी के उरन खटोले में प्रधानमंत्री बैठते थे, जब सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री के उरन खटोले में अडानी बैठकर जहां जहां विश्व में गए, जहां जहां भारत की छवि को खराब करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, मैं आपको वो भी वीडियो दिखाता हूं। सरकार तो रुख साफ कर चुकी है ना, कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह भी कह चुके हैं कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, ना कुछ छुपाने की जरूरत है। कौन है अमित शाह? गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री देश के बारे में सोचेगा कि अडानी के बारे में सोचेगा? आप एक बात बताओ, ये लोग अडानी के सेल्समैन बनकर, मार्केटिंग मैनेजर बनकर काम कर रहे, ये तो गला फाड़ फाड़ के कह रहा था, हाँ मैं चौकीदार
हूँ, अब तो समझ के आ गया देश को कि ये इसका मालिक गौतम अडानी है, ये रियल में ये मोदी जी चौकीदार हैं जिसने भारतीय बैंकों को लूटा, भारत की अर्थव्यवस्था को लूटा और भारत को तहस नहस कर दिया। पार्लियामेंट में उथल पुथल चल रही है, लेकिन जो जांच की और चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, आखिर सरकार बच क्यों रही है अडानी मामले पर चर्चा करने से? पोल खुल जाएगी, इनकी फट जाएगी ढोल। अडानी के देखिए पंप और डंप का खेल खेला गया, बाहर के पैसे आए, कोल स्कैम भी अडानी ने किया जिस पर गार्जियन में रिपोर्ट रॉबिस जॉब्सन की रिपोर्ट थी, उस पर जांच के आदेश दिए गए। अडानी के पोर्ट पर बार बार 30,000 टन ये ड्रग्स पकड़े जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि फर्जी तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए केपी गोसावी और भानुशाली जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता फर्जी एनसीबी का अधिकारी बन के जाता है। कोडियल क्रूज जहाज में तटरक्षक होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो जांच नहीं हुआ। ये सारा देश देख रहा है, पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। दूसरी बात, राहुल गांधी के बहाने जिस हिसाब से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात बताऊं, प्रधानमंत्री अमेरिका गए, दोहा गए, कनाडा गए, कैलिफोर्निया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, जर्मनी गए, दक्षिण कोरिया गए, सब जगह भारत को क्या कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री, क्या कह रहे हैं? मुझे तो शर्म आती है, मैंने कौन से पाप किए भारत? अरे भैया, आपके पाप की सजा हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम सह रही है। इतने खुदगर्ज थे कि आप अपनी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए भारत की छवि को कलंकित किया और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के पाप का सजा भुगत रहा है। तो पंकज जी, क्या ये लड़ाई भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचारी बनती जा रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि विपक्षी सारे भ्रष्टाचार है, तो उधर विपक्ष अडानी के मामले पर सरकार को घेर रही है। 2014 से पहले जिन जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जाते ही भाजपा वाशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, इधर से दागी निकला और इधर से पाक साफ हो गया। इधर से एकनाथ शिंदे निकला, दागी था, अब ईडी सीबीआई वो सारा भूल गया। अब देखिए ये लोग करते क्या हैं। वीरप्पन की बेटी कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी में हमारे पिता का अक्ष दिखता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी भी आप बताइए कि क्या सोच है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अडानी पर भी जांच की बात कहते हैं और प्रधानमंत्री के मुंह में कोई रसगुल्ला नहीं है, मुंह में मेहंदी नहीं लगा है कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। दूसरी बात, संयुक्त संसदीय समिति से भी जांच होनी चाहिए और ये क्लियर बात होनी चाहिए, सभी पार्टी के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन सभी नुमाइंदों के साथ मिलकर जाँच अगर हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ है कि बैंकों के पैसे अडानी को दिया गया, किसके इशारे पर दिया गया? गांव में किसान को गाय भैंस खरीदने के लिए, रिक्शा वालों को रिक्शा खरीदने के लिए लाख रुपया का लोन नहीं मिलता है। और अडानी जी प्रधानमंत्री जी के जो मित्र हैं लंगोटिया यार, पूरा देश को कंगाल कर दिया और अपने मित्र अडानी को माला माल कर दिया, पैसा दे दिया और उसको एनपीए कर दिया। बाप रे, बताइए माल महाराज के मिर्जा खेले होली। जेपीसी की अगर जांच जो बैठाए जाने की मांग विपक्ष कर रहा है, उसमें सरकार को दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना, जेपीसी चाहती है, विपक्ष तो दे देनी चाहिए। नहीं दे सकती है ना। देखिए, सच की एक बुरी आदत है कि सच एक न एक दिन अपने आप बाहर निकल के चला आता है। रावण अगर जिंदा होता तो रावण मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब जाता जितना नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जिन जिन बातों को लेकर सत्ता में आए और जो जो वादा किया, 2022 में पक्का मकान दूंगा, लोगों के पक्का मकान छीन लिए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देनी थी, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, उल्टा 18 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया, पूर्व सैनिकों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा। अब बताइए किस कौन बचा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी जी ने ठगा नहीं। आज लोग अब क्या करते हैं, अपने ही लोगों को हिंदू बना देते हैं। अरे भैया, भाजपा के हिंदू में और देश के हिंदू में फर्क है। हम कह रहे हैं कि अयोध्या में जिन लोगों की दुकानें टूटी है, जिनके मकान तोड़े गए हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? शिवखोरी में जाइए, वहाँ के ब्राह्मण छाती पीट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और मीडिया ऐसे हाईजेक है, मीडिया वालों को पता नहीं सांप सूंघिया कि क्या सूंघिया। कोई आदमी यहाँ देखिए, पूर्व सैनिकों का खबर करने कोई नहीं आ रहा, कितने दिन से है ये?
मनरेगा वाले मजदूर मशीन का सिस्टम लगा दिया। अरे भैया नेट की सुविधा नहीं है, बेचारा डेली मजदूरी करे, माल खा जाओ तुम। क्या उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई और ईडी काम करे ना, उनका काम है जांच करना, अगर घोटाला पाया जाएगा जाएंगे ना। देश बेच देना काम है, देश में नफरत फैलाना काम है, आप बताइए ना। देश की सभी सार्वजनिक संस्थाओं को बेच देना क्या काम है, आप बताइए ना। अगर ये काम है तो हम कहते हैं मोदी जी काम मत कीजिए। और इनके बयानों को अगर खुद जितनी जगह जितने स्टेटों में जाकर इन्होंने बोला है, अगर अपने ही बयान को देख लें, अगर शीशा के सामने रोक दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी के स्पीच को, तो शीशा फूट जाएगा अपने आप शर्म से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पसीजता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे पंकज जी, जिनसे खासा बातचीत की ईडी और सीबीआई कार्यवाही जो एक तरफा विपक्ष पर की जा रही है, जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार वर्सेज भ्रष्टाचार की जो लड़ाई बन गई है, इससे आने वाले वक्त में देश की जनता जो आस लगाए बैठी अपने बुनियादी मुद्दों पर, उससे क्या भटकते जा रही है, क्या जो देश की राजनीति है वो इधर उधर भटक रही है, लेकिन असल में मुद्दे कहां जाएंगे, जो जनता के मुद्दे जो संसद में उठाए जाने थे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।